Hello guys, myself Soumya and I welcome you on this beautiful channel. So today I am going to discuss about the NEET 2015 previous year paper. So without wasting time, let's get started. So our first question is, read the different component from first to fourth in the list given below and tell the correct order of the component with reference to their arrangement from outer side to inner side of in a dicot stem. So arrangement is secondary cortex wood, secondary phloem, phellem. So the correct order is, ab yahan pe puch rahe hain ki inme correct order kaun sa hota hai. So order is that first there is phellem, then secondary cortex, first there is phellem, then secondary cortex, then secondary phloem and then wood. Wood जो होती है सबसे last में आ रही है, phellem जो होता है सबसे पहले आता है. So the answer is the C1. Fourth, first, third and second. Now second question. Chromatophores take part in, chromatophores part लेते हैं photosynthesis में, growth में, respiration में, movement में. तो क्रोमेटोफोर्स जो होते हैं वो पार्ट लेते हैं फोटोसिंथेसिस में. द आंसर इज द A1. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स वुड अलाउ नो मूवमेंट. ऐसे कौन से जॉइंट्स हैं जो कोई भी मूवमेंट अलाउ नहीं करते हैं. ऑप्शन आर फिब्रस जॉइंट, कार्टिलेजियस जॉइंट, सैनोवियल जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. द आंसर इज द फिब्रस जॉइंट. फिब्रस जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जिसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, बिकॉज fibrous joints are immovable joints that occur between the bones of the cranium and in the two sockets. ये ऐसे joints हैं जो कि move नहीं कर पाते हैं और जो हमारे cranium के bones में और two socket में present होते हैं. Now next question, the wheat grain has an embryo, which one is large seed shaped neuron is known as. अब जो wheat है वो हमारा एक monocotyledon से belong करता है, ठीक है, और उसका एम्ब्रियो को हम बोलते हैं. ऑप्शंस आर एपीब्लास्ट, कॉलियोराइजा, स्क्यूटेलम, कॉलिप्टाइल. सो द आंसर इज द स्क्यूटेलम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ए जीन शोइंग को डोमिनेंस, एक ऐसा जीन जो को डोमिनेंस शो करता है उसमें होते हैं वन एले डोमिनेंट ऑन द अदर, एलीज टाइटली लिंक्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम, एलीज आर रिसेसिव टू ईच अदर, बोथ एलीज इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस इन दी हेटरोजाइगस. तो एक ऐसा जीन जो शो करता है कोडोमिनेंस, एक ऐसा जीन जो शो करता है कोडोमिनेंस, तो एक जीन कोडोमिनेंस तब शो करता है जब दोनों एलीज हेटरोजाइगस में कंडीशन में हो और फिर भी वो अपनी दोनों ट्रेड्स को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर पा रही हो. तो वैन बोथ एलीज इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस इन दी हेटरोजाइगोट. नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following structure is not found in a prokaryotic cell? एक prokaryotic cell में कौन सा structure नहीं मिलता है. Options are nuclear envelope, ribosome, mesosome, plasma, membrane. तो nuclear envelope जो होता है वो prokaryotic cell में नहीं मिलता है. The term linkage was coined by, term linkage दिया था T. Boveri ने, W. Seton ने, T. H. Morgan ने, G. Mendel ने. Answer is the T. H. Morgan. Next question is, The imperfect fungi which are decomposers of litter help in the mineral cycling belong to. एक ऐसी imperfect fungi जिनको हम decomposers बोलते हैं वो help करती हैं mineral cycling में से. तो belong करती हैं किस से? Deuteromycete से, basidiomycete से, phycomycete से and ascomycete से. The answer is the deuteromycete से. Now next question. Match the column and identify the correct option. थैलेकॉइड्स, क्रिस्टाई, सिस्टनाई एंड क्रोमैटिन. तो हमें यहाँ पे जो कई ऑप्शन हैं उन पर टिक करना है. थैलेकॉइड्स जो होते हैं वो फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक्स होते हैं स्ट्रोमा के. क्रिस्टाई जो होती हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनफोल्डिंग्स होती हैं, ठीक है. तो क्रिस्टाई आर द इनफोल्डिंग्स माइटोकॉन्ड्रिया. नाउ सिस्टनाई, सिस्टनाई जो होती हैं वो डिस्क शेप्ड सैक्स होते हैं जो हमको गोल्गी एपरेटस में देखने को मिलते हैं. क्रोमैटिन जो होता है वो एक कंडेंस्ड स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, ठीक है. थर्ड एंड सेकंड. तो अपन, हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा?
क्रिस्टियाई जो है वो इनफोल्डिंग है, तो 3, 4, 1, 2, तो B1 इज अवर आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट. वायरॉइड्स वर डिस्कवर्ड बाई डी जे इवानोविस्की, डब्ल्यू एम स्टैनली शोज डिवाइसेस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड. ये आंसर सही है. द टर्म क्वांटेजियम बायोफ्लूटियम वॉज विन बाई द एम डब्ल्यू बेजर ने, इन्होंने दिया था. मोजेक डिसीज इन टोबैको एंड एड्स इन ह्यूमन आर कॉज वायरस, ये भी सही है. बट फर्स्ट वन जो है इसमें ये रॉन्ग है, बिकॉज वायरॉइड्स को हमारे टी ओ डायन ने डिस्कवर किया था और डी जे यूनिवर्सिटी ने वायरसेस डिस्कवर किया था 1892 में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन द इनएक्टिवेशन ऑफ नाइट्रोजनेज बाई ऑक्सीजन पॉइजनिंग इज प्रिवेंटेड बाई लैक हेमोग्लोबिन, जेंथोफिल, केरोटिन एंड साइटोक्रोम. द आंसर इज द लैक हेमोग्लोबिन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीसीज कन्फाइन टू ए पर्टिकुलर रीजन एंड नॉट फाउंड एल्सेवेयर इज टर्म्ड एज कीस्टोन, एलिन, एंडेमिक एंड रेयर. द आंसर इज द एंडेमिक. ऐसी स्पीसीज जो सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन में मिलती हूँ और कहीं ना मिले उनको बोलेंगे हम एंडेमिक. नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट इन्वॉल्व इन शुगर मेटाबॉलिज्म. कौन सा हार्मोन है जो शुगर की मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व नहीं होता है? तो इट इज ए कॉर्टिसोन, एल्डोस्टेरोन, ग्लूकागॉन और इंसुलिन. द आंसर इज द एल्डोस्टेरोन. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम? प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट और लोकोमोशन. द आंसर इज द प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट, बिकॉज द प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट इज द फंक्शन ऑफ मसल्स. द कंट्रेक्शन ऑफ मसल प्रोड्यूस हीट विच कीप्स द बॉडी वार्म ड्यूरिंग द विंटर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू आर एन ए? ऑप्शंस आर कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, 5-डेज फॉस्फिल एंड 3-डेज हाइड्रोजल एंड हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस. चाफगास रूल, चाफगास रूल इसका आंसर है, बिकॉज जो चाफ का रूल था वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए ही एप्लीकेबल था, वो आरएनए के लिए एप्लीकेबल नहीं था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट? ऑप्शन आर्चिगोनिया आर फाउंड इन ब्रायोफाइट, टेरोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, म्यूकोर हैज बायोफ्लाजेलेट जूस पोर्स, हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज टिपिकल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, ब्राउन एलगी हैव क्लोरोफिल ए एंड सी एंड फ्यूगोजेंथिन. ठीक है, तो इसका जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो हमारा B1 है. यहाँ पे म्यूकोर जो होता है उसमें बाईफ्लैजलेट जूस पोर्स नहीं होते हैं. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, ए चाइल्डलेस कपल कैन बी असिस्टेड टू हैव ए चाइल्ड थ्रू ए टेक्निक्यू कॉल्ड GIFT. द फुल फॉर्म ऑफ दिस टेक्निक्यू इज गैमेट इंसेमिनेटेड फेलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रांसफर, जर्म सेल इंटरनल फेलोपियन ट्रांसफर. द आंसर इज द गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द विंग्स ऑफ बर्ड एंड द विंग्स ऑफ इंसेक्ट आर होमोलोगस स्ट्रक्चर्स एंड रिप्रेजेंट डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स एंड रिप्रेजेंट कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, फाइलोजेनिक स्ट्रक्चर्स एंड रिप्रेजेंट डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, होमोजीनियस स्ट्रक्चर्स एंड रिप्रेजेंट कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. तो द करेक्ट ऑप्शन इज एनालॉगस स्ट्रक्चर्स एंड रिप्रेजेंट द कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, बिकॉज इनका फंक्शन सेम है, बिकॉज दोनों के ही विंग्स जो होते हैं उड़ने काम आते हैं, बट इनका जो ऑरिजिन है वो अलग अलग है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन राइस इज ए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट वेयर द इनकॉर्पोरेटेड जीन इज मीन्ड फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, ओमेगा 3. तो आंसर इज द विटामिन ए, बिकॉज गोल्डन राइस इज अ वैरायटी ऑफ राइस प्रोड्यूस्ड थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग टू बायोसिंथेसाइज द बी कैरोटिन, ए प्रीसर्कर ऑफ विटामिन ए इन द एडिबल पार्ट ऑफ द राइस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटब्रीडिंग इज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, बिकॉज इट हेल्प इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स, इज यूजफुल इन प्रोड्यूसिंग प्योर लाइन ऑफ एनिमल्स, इज यूजफुल इन ओवरकमिंग द इनब्रीडिंग डिप्रेशन, एक्सपोजेस हार्मफुल रिसेसिव जीन्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द सिलेक्शन. द आंसर इज डेट
useful in overcoming the inbreeding deficit. Now, next question. Which are one of the following hormone though synthesized elsewhere it is stored and released by the master gland. एक ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कहीं और बनता है बट वो निकलता है मास्टर ग्लैंड से. ऑप्शंस आर एंटी टायोटिक हार्मोन, यूटिलाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन एंड मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. द आंसर इज द एंटी डायोटिक हार्मोन बिकॉज एंटी डायोटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन इज ए पेप्टाइड हार्मोन सिंथेसाइज्ड इन द हाइपोथैलेमस बट स्टोर्ड एंड रिलीज फ्रॉम द posterior pituitary lobe. Now next question. An association of individuals of different species living in the same habit and having functional interaction is ecological niche, biotic community, population, ecosystem. So the answer is the biotic community. In which of the following pair have correct combination? So the answer is the A1. गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल में होता है कार्बन एंड नाइट्रोजन. सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल में होता है सल्फर एंड द फास्फोरस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. ऑप्शंस आर क्रोमोसोम, जीन, जीनोम, न्यूक्लियोटाइड, जीनोम, क्रोमोसोम, न्यूक्लियोटाइड, जीन, जीनोम, क्रोमोसोम, जीन, न्यूक्लियोटाइड, क्रोमोजोम, जीनोम, न्यूक्लियोटाइड और जीन. सो द आंसर इज द C1. जीनोम टू क्रोमोजोम, देन क्रोमोजोम टू जीन एंड जीन टू न्यूक्लियोटाइड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ए जॉलेस फिश हु लेज एग इन फ्रेश वाटर एंड हुज अमोनियोसाइट्स लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशियन इज एप्ट्रेटरस, माइजीन, न्यूमाइजीन, पेट्रोमाइजोन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज द पेट्रोमाइजोन बिकॉज पेट्रोमाइजोन जिसको हम लेम्ब्रे बोलते हैं बिलोंग करता है सेक्शन एग्नाथा से ऑफ द सब फाइलम वर्टिब्रेटा एंड दे हैव लॉन्ग ग्रीनिश ब्राउन सिलेंड्रिकल बॉडी होती है इनकी. कुछ स्मूथ स्केल लेस स्लाइमी स्किन भी होती है. ये अपनी एग्स को ले करते हैं फ्रेश वाटर में बट उनके जो लार्वा होते हैं इनको कहा जाता है अमोनोकॉइट्स. वो मेटामॉर्फोसिस के बाद में फिर से वो ओशन में पहुंच जाते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ न्यू डार्विनिज्म, नेचुरल सिलेक्शन, न्यू लेमार्किज्म, म्यूटेशन. सो द आंसर इज द नेचुरल सिलेक्शन. सेल वॉल इज एब्सेंट इन एस्पर्गिलस, फ्यूनेरिया, नॉस्टॉक एंड माइकोप्लाज्मा. तो करेक्ट ऑप्शन इज C1 बिकॉज इन माइकोप्लाज्मा बिकॉज माइकोप्लाज्मा क्या होता है ट्रू और रिसेसिव सेल वॉल इज एब्सेंट इन दैम बिकॉज बट उनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो साउंड होता है एक ट्राई लेमिनर मतलब थ्री लेयर स्ट्रक्चर से. ठीक है. नाउ द काइटनस एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड इज फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ केराटिन सल्फेट एंड कॉन्ड्रोटाइक सल्फेट, डी ग्लूकोसेमाइन एंड एस्टाइल ग्लूकोसेमाइन लाइपोग्लाइकेन. सो यहाँ जो ऑप्शन है वो होगा C1. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. फिलीफॉर्म एपरेटस इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जेनेटिव सेल, न्यूक्लियर एम्ब्रियो, एल्यूरॉन लेयर एंड सिनेजिस. द आंसर इज द सो हमारा इसका आंसर होगा सिनेजिस. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन एंजियोस्पर्म्स माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस ऑकर इन द एंथर, फॉर्म गैमेट्स विदाउट फर्दर डिवीजन, इन्वॉल्व मियोसिस. तो एंजियोस्पर्म्स में मेगा स्पोरोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस दोनों में ही मियोसिस होती है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. मेटाजेनेसिस रिफर टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मॉर्फिक फॉर्म्स, अल्टरेशन जनरेशन बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, occurrence of drastic change in form during the post-embryonic development, in the presence of a segmented body and parthenogenesis, genetic mold or reproduction. The answer is the alteration of generation between asexual and sexual mode of an individual. Next question. Which of the following immunoglobulins does constitute the largest percentage in human milk? Options are IgD, IgM, IgG, IgA. The option is IgA. Because all type of immunoglobulins are found in the human milk, out of these secretory IgA जो होती है वो एक type की ऐसी immunoglobulin है जो प्रोटेक्ट करती है ear को, eyes को, nose को, throat को, जितने भी gastrointestinal tract है उन सबको ये
उन सबको ये हेल्प करती है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सेंसरी इम्पल्सिस, वोलेंट्री मोटर इम्पल्स, कमिशनल इम्पल्सिस, इंटीग्रल इम्पल्सिस. ठीक है, द ऑप्शन इज द वोलेंट्री मोटर इम्पल्सिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कटिंग ऑफ डी एन ए एट स्पेसिफिक लोकेशन बिकम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ, तो डी एन ए की कटिंग जो होती है वो पॉसिबल हो पाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. इन द फॉलोइंग ह्यूमन पेडिग्री द फील्ड सिंबल्स रिप्रेजेंट द इफेक्टेड इंडिविजुअल्स, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गिवन पेडिग्री. ऑप्शंस आर ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट. द आंसर इज द ऑटोसोमल रिसेसिव. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कलर ब्लाइंड मैन मैरीज ए वूमन विथ नॉर्मल स्लाइट हु हैज नो हिस्ट्री ऑफ कलर ब्लाइंड इन हर फैमिली. What is the probability of their grandson being colorblind? The answer is the 0.25. Now, next question. Flowers जो होते हैं वो unisexual होते हैं in pea, cucumber, onion and China rose. So, answer is the cucumber. Flower जो होते हैं वो unisexual होते हैं cucumber में, because cucumber जो होते हैं वो member होता है family बिताई का, एंड इन द मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली फ्लावर जो होते हैं मोस्टली वो यूनिसेक्सुअल होते हैं विद मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन डिफरेंट प्लांट, इनको बोलते हैं डायोशियस. अगर सेम प्लांट पे हैं तो उसको बोलेंगे हम मोनोशियस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर के एब्जॉर्प्शन में किसकी रूट मैन हेल्प करती हैं, दे आर द पिस्टिया, पिस्टिया की रूल्स हेल्प करती हैं वाटर के एब्जॉर्प्शन में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बेलबाली रिंग्स आर द साइट्स ऑफ लिपिड सिंथेसिस, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, पॉलीसेक्राइड सिंथेसिस एंड आर एन ए एंड प्रोटीन सिंथेसिस. सो द आंसर इज द आर एन ए एंड प्रोटीन सिंथेसिस, बिकॉज ए बेलबियानी रिंग इज ए लार्ज क्रोमोजोम पफ, एक लार्ज क्रोमोसोम का पफ होता है, एंड बल्बियानी रिंग्स आर डिफ्यूज्ड अनकॉइल्ड रीजंस ऑफ द पॉलीटिन क्रोमोसोम दैट आर द साइट्स ऑफ आरएनए ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोटीन सिंथेसिस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ऑफसेट टू वाटर लाइकन, ये सही है, राइबोसोम बनाना ये भी सही है, बाइनरी फ्यूजन टू सरगेसम ये रॉन्ग है, बिकॉज बाइनरी फ्यूजन जो होती है वो सरगेसम में नहीं होती है, वो फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से होती है, बल्कि लेकिन पेनिसिलियम में कोनिडिया से होती है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज द सी वन. एक्टोपिक प्रेगनेंसी आर रेफर्ड टू एज प्रेगनेंसीज विद जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज, implantation of embryo at site other than the uterus, implantation of defective embryo in the uterus, pregnancy is terminated due to hormonal imbalance. The answer is the implantation of embryo at sites other than the uterus. Now next question, so choose the wrong statement. Penicillium is multicellular and produces antibodies. Neospora is used in the study of biochemical genetics. ये भी सही है. Morels and truffles are poisonous mushrooms. Yeast is unicellular and useful in fermentation. तो wrong इसमें ये है कि morels truffles जो होते हैं वो poisonous नहीं होते हैं, वो edible mushrooms होते हैं. Now next question. The function of gap junction is performing cemented to keep neighboring cells together. Facilitate communication between adjoining cells by connecting the cytoplasm for rapid transfer of ions, small molecules and some large molecules. Separate two cells from each other. Stop substances from leaking across a tissue. The answer is the facilitate communication between adjoining cells. Next question. Axial placentation is present in the dianthus, lemon, pea, agrimon. So the answer is the lemon. Which of the following are not membrane bound ओनली, membrane bound नहीं होती, vacuoles हमारे होते हैं, ribosome नहीं होते हैं, mesosomes होते हैं और lysosome भी membrane bound होते हैं, but ribosome जो होते हैं membrane bound नहीं होते हैं. In his classical experiment on pea plant, Mendel did not use seed color, pod length, flower position, seed shape. तो मेंडल ने पॉड लेंथ को यूज़ नहीं किया, बिकॉज मेंडल ने 7 characteristics लिए थे पी प्लांट के, वो थे सीड का कलर, सीड का शेप, फ्लावर कलर, पॉट का कलर, पॉट का शेप, फ्लावर की पोजीशन और प्लांट की हाइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
During ecological succession, the gradual and repeatable change in species composition occurs in a given area. The establishment of a new biological community start very fast in its primary phase. The number and types of animals remain constant. The changes lead to a community that is in nearly equilibrium with the environment and is called a prionic community. ठीक है, तो आंसर इज द ग्रेडुअल एंड प्रेडिक्टेबल चेंज ऑकर इन स्पीसीज कंपोजिशन ऑकर इन ए गिवन एरिया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉडी सेल्स इन कॉकरोच डिस्चार्ज देयर नाइट्रोजनस वेस्ट इन द हीमोलिम्फ मेनली इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, पोटाशियम यूरिएट, यूरिया, कैल्शियम कार्बोनेट. सो द आंसर इज द पोटाशियम यूरिएट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोविंग बायोमोलिक्यूल डज हैव ए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किस में होता है? तो ऑप्शन आर फैटी एसिड्स इन ए डाइग्लिसराइड, मोनोसेकेराइड इन ए पॉलीसेकेराइड, अमीनो एसिड इन ए पॉलीपेप्टाइड एंड न्यूक्लिक एसिड इन ए न्यूक्लियोटाइड. द आंसर इज द लास्ट वन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑन क्लाइमेट चेंज इन द ईयर 2012 वाज हेल्ड एट डरबान, दोहा, लीमा एंड वॉल्शो. तो द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को कहा गया था कोप 18 वाज द यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज वाज हेल्ड इन द दोहा क्यूतार फ्रॉम 26 नवंबर टू 8 दिसंबर 2012. Now next question, arrange the following events of meiosis in the correct sequences. So crossing over, synapses, termination of stigmata, disappearance of the nucleus. The answer is the B1. Now next question, root pressure develops due to active absorption, low osmotic potential in soil, passive absorption and increase in transpiration. So the answer is the active absorption. Which of the following animal has two separate circulatory pathway? Options are frog, lizard, whale and shark. The answer is the whale. Which of the following event is not associated with ovulation in human females? Decrease in estradiol, full development of graafian follicle, release of secondary oocyte, LHO. The answer is the decrease in the estradiol. Most animals that in deep oceans are primary consumers, second consumers, tertiary consumers and detritivores. तो ऐसे animals जो हमारे deep oceans में उनको उनको कहा जाता है detritivores. Now next question, if you suspect major deficiency of antibodies in a person, to which of the following would you look for confirmatory evidence? अगर आपको किसी भी particular individual में antibodies कम लग रही होती हैं तो हम उसको जानने के लिए करते हैं क्या, इसको चेक करते हैं फिब्रोजन प्लाज्मा, सीरम एलिवेंस, हीमोसाइट्स और सीरम ग्लोबुलिंस. तो हम चेक करते हैं ग्लोबुलिंस के सीरम को. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस स्ट्रक्चर इट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक्स और होस्ट टिश्यू आर राइजॉइड्स, फिब्राई, मिजोजोम्स एंड होलफास. तो दी ऑप्शन इज दी फिब्रियाई. फिब्रियाई जो होती है हेल्प करती हैं बैक्टीरियाज को एक रॉक्स से अटैच होने में. तो फिब्रियाई जो होती हैं वो स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर होते हैं जो निकलते हैं एक सेल से. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिएंट एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स इज नोन एज बायो मैनिफिकेशन, बायो डेट्रिगेशन एंड बायो ट्रांसफॉर्मेशन, बायो जियोकेमिकल साइकिल. द आंसर इज द बायो मैग्निफिकेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉडी हैविंग मेश वर्क ऑफ सेल्स, इंटरनल कैविटीज लाइन विद फूड, फिल्टरिंग फैसिलिटेड सेल्स एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा, पॉलीफेरा, मोलस्का एंड प्रोटोजोआ. द आंसर इज द फर्म पॉलीफेरा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन इवॉल्व्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स involved in this reaction. Options are manganese and chlorine, manganese and potassium, magnesium and molybdenum, magnesium and chlorine. The answer is the manganese and the chlorine. Now next question, the primary dentization in human differ from permanent dentition in not having one of the following type of teeth. So options are canine, premolar, molar and incision. The answer is the premolar. Coconut water from a tender coconut is a immature embryo, the free nuclear endosperm, innermost layer of the seed coat, degenerated nucleus. So the answer is the free nuclear endosperm. Now next question, which one of the following layer is an eternal follicle is a cell? कौन सी लेयर है जो कि ए सेल होती है
ऑप्शंस है गहलोसा, थीका इंटरना, स्टोमा एंड जोना पेलिचुरा. आंसर ए थी जोना पेलिचुरा. द नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी डी एन ए इंटू प्लांट्स इवॉल्व इन्फेक्शन ऑफ द प्लांट बाई एग्रो बैक्टीरियम टिमेफेशियंस अल्टरेशन अल्टरनिंग द पीएच ऑफ सॉइल हीट शॉकिंग द प्लांट्स एक्सपोजिंग द प्लांट टू कोल्ड फॉर ब्रीफ पीरियड अलाउिंग द प्लांट रूट्स टू स्टैंड इन वाटर. ठीक है, ऑप्शन आर इन्फेक्शन ऑफ प्लांट बाई एग्रो बैक्टीरियम टिमेफेशियंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल फॉर्म्स टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स विच फिट टुगेदर. सो ऑप्शन आर क्राइसोफाइट्स, इग्नोराइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, स्लाइम मोल्ड्स. द आंसर इज द क्राइसोफाइट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन यूरिन इज यूजली एसिडिक बिकॉज सोडियम ट्रांसपोर्टर एक्सचेंजेस वन हाइड्रोजन आयन फॉर ई सोडियम आयन पर्टिकुलर इन पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज. ठीक है, एंड एक्सक्रीट प्लाज्मा प्रोटीन्स आर एसिडिक. पोटाशियम एंड सोडियम एक्सचेंज जनरेट्स एसिडिटी. हाइड्रोजन आयन्स आर एक्टिवली सीडेड इनटू द फिल्ट्रेट. तो हाइड्रोजन आयन्स जो होते हैं वो एक्टिवली निकलते हैं फिल्ट्रेट में, इसलिए ह्यूमन यूरिन जो होती है वो यूजली एसिडिक होती है. इन फोटोसिंथेसिस द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन टेक प्लेस एट थैलेकोइड ल्यूमिन फोटोसिस्टम फर्स्ट, फोटोसिस्टम सेकेंड एंड स्ट्रोमल मैट्रिक्स. आंसर इज द स्ट्रोमल मैट्रिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ए मेमेलियन आई द फोबिया इज द सेंटर ऑफ विजुअल फील्ड वेयर द हाई डेंसिटी ऑफ कॉन्स ऑकर बट हैज नो रॉड्स. द ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई, ओनली रॉड्स आर प्रेजेंट, मोर रॉड्स देन कॉन्स आर फाउंड. तो इसमें हाई डेंसिटी ऑफ कॉन्स हमको मिलती हैं बट हैव नो रॉड्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डीएनए मॉलिक्यूल टू विच द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंटीग्रेटेड फॉर क्लोनिंग इज कॉल्ड वैक्टर कैरियर ट्रांसफॉर्मर एंड टेम्पलेट. आंसर इज द वैक्टर. Now next question, pick up the wrong statement, cell wall is absent in animalia, protista have photosynthetic and heterotrophic modes of nutrition, some fungi are edible, nuclear membrane is present in the monera. So the last option is wrong because the nuclear membrane is absent in the monera. Next question, among China rose, mustard, brinjal, potato, guava, cucumber, onion and tulip, how many plants have a superior ovary? So, कौन से plants हैं जिनमें superior ovary present होती है? तो इसमें जो option है वो option B present सही है because इसमें 6 ऐसे plants हैं जिनमें superior ovary present होती है. They are China rose, mustard, brinjal, potato, onion and tulip. इन 6 plants में superior ovary present होती है. Now नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पल्मोनेट्री डिसीज इन विच द एलियोलर सरफेस एरिया इन्वॉल्व इन गैस एक्सचेंज इन ड्रास्टिकली रिड्यूस टू डैमेज इन द एलियोलर वॉल्स. ऑप्शंस आर प्लूरिसी, एम्फाइसिमा, निमोनिया एंड एस्थमा. द आंसर इज द एम्फाइसिमा. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉलम ऑफ वाटर विद इन द एलम वेसल ऑफ टॉल ट्रीज डज नॉट ब्रेक अंडर इट्स वेट बिकॉज ऑफ डिजॉल्व्ड शुगर इन वाटर बिकॉज ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वाटर लिलिफिकेशन ऑफ जेलम वेसिकल्स पॉजिटिव रिप्रेजेंट. आंसर इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड रेन इज कॉज्ड ड्यू टू इज कॉज्ड बाई इंक्रीज इन द एटमोस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2, NO2, SO3, CO, CO2 is CO, O3 and dust. Answer is the SO2 and NO2. Next question, the enzyme that is not present in the succus enteritus is maltase, nuclease, nucleosidase, lipase. So, succus enteritus or intestinal digestive juices contain a variety of enzymes like disaccharides, maltase, peptide, ligases, nucleosidases. But nuclease jo hota hai wo एक ऐसा एंजाइम है जो कि हमको पेनक्रियाटिक जूस में मिलता है. ठीक है, तो द आंसर इज द न्यूक्लियस. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फ्लॉपिंग इंटरेक्शन बोथ पार्टनर्स आर एडवर्सली इफेक्टेड. दोनों पार्टनर्स एडवर्सली इफेक्ट होते हैं किसमें? लाइक ऑप्शंस आर कंपटीशन, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, म्यूटेशन. सो द आंसर इज द कंपटीशन. नॉट नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फ्लॉपिंग लिस्ट ऑफ माइक्रोब्स एंड द इम्पॉर्टेंस. सैक्रोमाइसिटीज सेरेबिसाइड जो होती है वो कमर्शियली प्रोडक्शन करती है इथेनॉल का. ठीक है, नाउ मोनाकस पेपरिंस. मोनाकस पेपरिंस जो होती है वो प्रोडक्शन करती है ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोवरिंग
ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले एजेंट प्रोडक्शन जो होती है वो हमें हमारी मोनोकस प्रेगनेंसी करती है। ट्राइकोडर्मा पॉलीफोरम जो क्या करती है, तो ट्राइकोडर्मा पॉलीफोरम जो होती है वो प्रोडक्शन करती है इम्यूनो सप्रेजेंट का, इम्यूनो सप्रेजेंट का करती है कुत्ता साला, प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनो सप्रेजेंट। ठीक है, एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन इज डैट प्रोपियोनिम बैक्टीरिया सेमिनाइज जो होती है वो हेल्प करती है इन द रिपेयरिंग ऑफ द स्विस चीज। सो दी करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड टू टू। सो द आंसर इज बी वन, क्या बी वन हमारा प्रोडक्शन, हाँ तो आंसर इज दी ए वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लियोट्रोपिक जीन इज एक्सप्रेस्ड ओनली इन प्रिमिटिव प्लांट्स, इन ए जीन इन्वॉल्व ड्यूरिंग प्लियोसीन कंट्रोल इट ट्रेड ओनली इन कॉम्बिनेशन विद अदर कंट्रोल्स मल्टीपल ट्रेड। मतलब एक प्लियोट्रोपिक जीन होता है, मतलब एक ऐसा जीन जो बहुत से कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, उसे बोलते हैं प्लियोट्रोपिक जीन। नाउ प्रोटोप्लास्ट, तो प्रोटोप्लास्ट एक ऐसी सेल होती है जो बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है, बिना न्यूक्लियस की होती है, अंडर गोइंग डिवीजन, विदाउट सेल वॉल। आंसर इज दी विदाउट सेल वॉल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन इन द एनवायरनमेंट। ऑप्शंस आर लाइकेंस, कॉनिफर्स, एल्गी एंड फंजाई। आंसर इज दी लाइकेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफ्टेड किडनी मे बी रिजेक्टेड इन ए पेशेंट ड्यू टू ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, पैसिव इम्यून रिस्पॉन्स एंड इनेट इम्यून रिस्पॉन्स। आंसर इज दी सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज पार्थेनोकार्पिक। ऑप्शंस आर ब्रिंजल, एप्पल, जैकफ्रूट, बनाना। आंसर इज दी बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोन, सो एग्जांपल्स आर सैफिलिस, इन्फ्लुएंजा, बेबेसियोसिस एंड ब्लास्टोमाइकोसिस। आंसर इज दी बेबेसियोसिस, बिकॉज बेबेसियोसिस जो होती है वो एक मलेरिया लाइक पैरासाइट होता है, जो इन्फेक्शन से होता है जब बेबेसिया बिगेमिना एक जो जीनस होता है प्रोटोजोआ का, उससे डिसीज होती है। और साइफिलिस जो होती है वो तो हमारी ट्रेपोनेमा प्लेरम से होती है, जो कि एक बैक्टीरिया है। इन्फ्लुएंजा तो इन्फ्लुएंजा वायरस से होती है। और ब्लास्टोमाइकोसिस जो होती है वो ब्लास्टोमाइट्स से होती है, जो कि एक फंगस होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ह्यूमन फीमेल मियोसिस सेकेंड इज नॉट कम्प्लीट, ये कम्प्लीट नहीं होती है अनटिल, इट इज़ नॉट कम्प्लीट अनटिल प्यूबर्टी, फर्टिलाइजेशन, यूट्राइन इम्प्लांटेशन, बर्थ। सो इट इज़ दी बर्थ, नो इट इज़ दी फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस टू स्पर्म्स एंड ए वेजिटेटिव सेल, सिंगल स्पर्म एंड ए वेजिटेटिव सेल, सिंगल स्पर्म एंड टू वेजिटेटिव सेल एंड थ्री स्पर्म। द आंसर इज टू स्पर्म एंड वन वेजिटेटिव सेल। नॉट नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर्स यूज स्टेथोस्कोप टू हियर द साउंड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल, द साउंड वी हियर व्हेन, तो व्हेन एवी वाल्व ओपन अप, वेंट्रिकुलर वाल्व वाइब्रेट ड्यू टू गशिंग इन ऑफ ब्लड फ्रॉम आर्ट्रिया, और सेमी दिनो वाल्व्स क्लोज डाउन ड्यूरिंग ब्लड फ्लोस इनटू वेसल फ्रॉम वेंट्रिकल्स, एवी नोड रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम द एसी नोड। सो इसमें ये इसलिए होता है बिकॉज हमारा हार्ट जो होता है वो प्रोड्यूस करता है दो टाइप के साउंड्स को, ठीक है। अब वो दो टाइप के साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है तो उसमें क्या हो रहा है कि फर्स्ट साउंड जो होता है हमारा लब होता है और सेकंड साउंड जो होता है वो डब होता है। सो द आंसर इज दी सेमी ल्यूनर वाल्व। जब सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज होते हैं तब वो साउंड, जब जो सेकंड साउंड है वो हमको हम सुन पाते हैं। तो इन हेल्दी एडल्ट्स दे आर टू नॉर्मल हार्ट साउंड्स, ऑफन डिस्क्राइब्ड एज लब एंड डब। These are the first heart sound and second heart sound produced by the closure of the AV nodes. Now, next question. Auxin can be bioassessed by Abena clopidogrel curvature, by hydroponics, by potometer, by plateaus, hypocotyl elongation. The answer is the by Abena clopidogrel curvature. Now, next question. Satellite DNA is important because it codes for protein needed in cell cycle, shows high degree polymorphism in the population and also the same degree of polymorphism in an individual which is highest level from parent to children, does not code for protein and is same in all members of the population, code for enzyme needed for DNA replication. The answer is the B1.
Now next question. Cell organelles with membrane are nuclei, ribosome, mitochondria, chromosome, ribosome and endoplasm reticulum. Endoplasm reticulum, ribosome, nuclei, lysosomes, Golgi apparatus and mitochondria. Answer is the D one. Now our last question. Eutrophication of water bodies leading to killing of fishes is mainly due to non-availability of food, light, essential minerals and oxygen. The answer is the essential materials, because minerals, because eutrophication is a process where water bodies receive excessive nutrients that stimulate excessive plant growth. Jab bahut sare minerals plant mein hamare usme ocean mein ya kahin bhi kisi bhi water bodies mein jab aa jate hain to wahan pe unwanted plants ki growth hoti hai. Usse kya hota hai, so this can lead to overcrowding and competition for sunlight, space and oxygen. Theek hai, so our video ends here. I hope you guys like the video. If you like, then please wait for the second part and we meet on the next video. Take care, bye bye.